हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। अभी का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है पिकअप आइल। इसमें मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड कमिंग्स टूवर्ड्स यू। तो आपके बारे में कौन सोच रहा है और कौन आपके पास आ रहा है, ठीक है? एक्स या न्यू जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो आपके बारे में लगातार सोच कौन रहा है और कौन आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स रखे हुए हैं, लेटर्स हैं, इनिशियल्स हैं आपके नाम के। तो जो भी इनिशियल आपके नाम का है आप उस वाले पाइल को चूज़ करना, ठीक है? तो पाइल वन में ये सारे इनिशियल्स हैं, ठीक है? ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। तो अगर इनमें से आपका नाम आता है, ठीक है, अक्षर आता है, तो आप इस वाले पाइल को चूज़ कर सकते हैं। और पाइल नंबर टू के लिए ये सब है, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ठीक है? तो इनमें से अगर आपके अक्षर का मतलब लेटर है पहला, तो आप पाइल नंबर टू को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत कंफ्यूजन तो है नहीं पाइल को सिलेक्ट करने में। जो भी आपके नाम का अक्षर है, आप जिस भी ग्रुप में आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ मैच करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है रीडिंग, ठीक है? जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन से और देखते हैं क्या आता है। हेलो एवरीबॉडी, तो जिनका भी है पाइल नंबर वन, चलिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है और आपकी लाइफ में आने के बारे में भी सोच रहा है? लेट्स सी क्या आता है। टेन ऑफ वैंड्स पहला कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, लवर्स, वाओ द वर्ल्ड। थ्री मेजर और खाने से कार्ड्स आए हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओके, और देखते हैं क्या आता है। ओ एम जी, फोर ऑफ वैंड्स, वेट अ सेकंड, नाइन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, द सन, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है बॉटम द डेक से। तो यहाँ पर जो साइन आए हैं, यहाँ पे कुछ फिक्स साइन आए हैं, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, जेमिनाई, ये साइन कुछ फिक्स है यहाँ पर। अदरवाइज यहाँ पे फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? जेमिनाई है, टॉरस है, एक्वेरियस है एंड सजिटेरियस है, ये साइन है यहाँ पर स्ट्रांग। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस, एरीज, ठीक है? इनमें से आपका साइन हो सकता है या आपके पार्टनर का। तो गाइस, कौन आ रहा है आपके पास, कौन आपके बारे में सोच रहा है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर चार स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं, मेजर अरखाने से कार्ड्स आए हैं, तो ये वही है जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके सोलमेट्स हैं, ठीक है? जो आपके बारे में लगातार दिन रात सोचते हैं
और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली ये जो लड़की है ना, अगर आप लड़के वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो लड़की जिस जो आपके बारे में सोच रही है ना, ये दिन रात भगवान से आपके लिए प्रार्थना करती है कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि फैमिली का प्रेशर आप पर है और आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है। इस लड़की को पता है आपके बारे में। ठीक है, तो ये दिन रात आपके लिए प्रेयर करती है, मैनिफेस्ट करती है कि आपकी लाइफ से ये हार्डशिप हट जाए, और ये दुआ कर रही है इस मैरिज को आपके साथ ना, कि आपके साथ ये शादी हो जाए। आप क्योंकि इसको पता है कि आप दोनों डिवाइन काउंटरपार्ट हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हो। तो ये दिन रात यूनिवर्स से प्रार्थना करती है कि आप दोनों एक हो जाएं। आप इसको आपकी लाइफ में आना इसलिए है कि आपकी प्रॉब्लम सारी ख़त्म कर देगी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली गाइडेड हैं और डेफिनेटली एक दूसरे को सपोर्ट ही करने आए हो इस अर्थ पर, ताकि आप अपने पर्पस को पूरा कर सको। इस पर्सन को पता है, इस लड़की को पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं और किसी लड़के के लिए वीडियो देख रहे हैं आप, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपका स्पिरिचुअल मतलब डिवाइन काउंटरपार्ट है ये आपके, और इस टाइम इसकी जो कंडीशन है ना फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऊपर से घर वालों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये इस टाइम अपने करियर में मैनिफेस्टेशन कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, और देखो आपके बिना इसका हाल जो है ना वो नाइन ऑफ वैंड्स की तरह हो गया, मीन्स अकेले खड़े हैं, परेशान हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन सिंगल हैं इस टाइम, ये किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे थे तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसके साथ उस थर्ड पार्टी के साथ इसकी बहुत अच्छी जमी नहीं जम पा रही है, और ये डेफिनेटली अब सिंगल जैसा ही मतलब फील कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, 100% सोच रहे हैं, क्योंकि आप लवर्स के कनेक्शन में हैं, ये आपको नहीं भूल सकते, चाहे आप अभी बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं। देखो इसको छोड़ने का तो रिग्रेट है, आपको छोड़ दिया इसने, या आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करा, बहुत रिग्रेट है इसको। ठीक है, और अब ये जो पर्सन है ये आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, अपनी फाइनेंशियली जिस तरीके से क्राइसिस ये फेस कर रहे हैं उसको तो ये गो थ्रू कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन घर वालों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ हालात तो इसके हालात जो है वो ख़राब ही हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है इसकी लाइफ में, कुछ इस तरह से मैं देख रही हूँ। या फिर ये हो सकता है कि ये वो पर्सन है जो, अगर हो सके, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, लेकिन घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही ना इंटरफेयर करा और आपका जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। ठीक है, इंटरफेयर की वजह से, मतलब हो सकता है घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ना मतलब अपने डिसीजन थोपने चाहे आप दोनों पर, और आपका जो है डे बाय डे झगड़ा होता गया। तो अब ये पर्सन, अगर आप मैरिड का केस है तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके बिना काफ़ी अकेला भी फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन चाहते तो हैं आपके पास आना, लेकिन ये जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अब चाहे ये लड़की के बारे में आप पूछ रहे हो या लड़के के बारे में, ये अपने आप नहीं आना चाहेंगे, ये खुद से एक्शन लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ लड़की आपके लिए पूरी तरीके से दुआएं प्रेयर कर रही है गॉड से, एंजल से। और अगर आप किसी लड़के के लिए पूछ रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी आपके बिना बहुत अकेले हैं और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश नहीं है ये अपनी लाइफ में। ठीक है, अब डेफिनेटली इसको होप है विद द सन कार्ड कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपके पास आने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये कोई नए पर्सन नहीं है, आप इन्हें जानते हैं, आप इनके साथ डील कर चुके हैं, और ये पता है क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इन चाहे लड़की या लड़का है, इसको जजमेंट का ही वेट है। जब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग टाइम ठीक होगा ये तभी आएंगे आपकी लाइफ में, अदरवाइज आप इसके दिमाग में हो, दिल में हो। ठीक है, ये आपको नहीं भूल सकते, इम्पॉसिबल है पाइल नंबर वन के ये आपको भूल जाएंगे, नहीं भूल सकते ये, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो उस पर्सन के लिए कि वो एनर्जी इसको कुछ भी भूलने ही नहीं देगी। आप इसके लिए प्रेयर कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो कि आपका ही है, क्योंकि लवर्स के कनेक्शन में हो, भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, कहीं नहीं जाएगी, और
डेफिनेटली अगर अच्छा करोगे तो जल्द से जल्द यूनियन भी हो जाएगा, और यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिख भी रहे हैं विद द फोर ऑफ वैंड्स। तो ये मैरिज कार्ड होता है, ठीक है। 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होगे आप, इसके अलावा नंबर 6 भी बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं कुछ जो आपको बिल्कुल, ये साइन है आपके लिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कोई नया पार्टनर नहीं देख रही हूँ मैं, ये आपके पार्टनर हैं, आप इनके साथ डील कर चुके हो और ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बस इसको जजमेंट का वेट है। द यूनिवर्स इसको ना, ये जो सेपरेशन की जो साइकिल है ना, इसको इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, ये नेचुरली हुई है, नेचुरली ही ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में सन आएगा, इस पर्सन को पूरा पूरा बिलीव है कि ऐसा होगा और ये बिल्कुल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। जजमेंट के साथ ही आपकी लाइफ में खुशी आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी और आप एक भी हो जाएंगे, आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरी पूरी होप है ऐसी। तो यस गाइज, आप वेट कर सकते हैं, ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इसको आपके पास आना है, लेकिन ये कब आएंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जजमेंट का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, तो ये आएंगे आपके पास। और देख लेते हैं और यहाँ से क्या हमें पता चलेगा, लेट्स सी। देखो, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर डिफरेंट सिटी या फिर कास्ट इशू हो सकता है। आपकी कास्ट अलग होगी, आपके पार्टनर के हाथ पे टैटू हो सकता है, और एक का जो कलर है वो थोड़ा विटिश है, एक बहुत फेयर कॉम्प्लेक्स है एक का, ठीक है। और आप दोनों को ही सिंपल लाइफस्टाइल और ज़्यादा मतलब आपको ना मतलब डिसेंट लुक पसंद है, आपके पार्टनर थोड़ा कैजुअल लुक पसंद करते हैं। आप दोनों डिफरेंट सिटी और डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, डिसेप्शन एंड इनवी, इस पर्सन में थोड़ी सी जेलसी है आपको लेकर, कि आप इससे बात नहीं कर रहे हो, या आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो, ट्राई नहीं कर रहे हो बात करने का, इसको लेकर थोड़ी सी जेलसी है। लेकिन जो भी है, इसको अपना भी पता है कि इसने क्या किया है, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने चेहरे पे से नकाब हटा रहे हैं, धीरे धीरे आपको ट्रू कलर समझ में आएंगे इस पर्सन के। बुरा नहीं है, ये पर्सन अच्छा है, ठीक है। डिफीट एंड कन्फ्लिक्ट चल रही है इसकी लाइफ में अभी, थोड़ी हार्डशिप ना तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, और जजमेंट भी तभी होगा जब इसकी हार्डशिप ख़त्म हो जाएगी। लग सकता है थोड़ा टाइम, देखो द वेटिंग गेम आ भी गया और कार्ड, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस पाइल नंबर वन इस पर्सन को आने में आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो ये खुद भी जजमेंट का ही वेट कर रहे हैं, और जजमेंट ही आपकी साइड से भी होगा जब आपके सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह, मतलब इस पर्सन की लाइफ से जब सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह ख़त्म हो जाएंगे ना, तभी जजमेंट होगा। अदरवाइज आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, नो डाउट कि आप नहीं हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्लानिंग यूनिवर्स आपके लिए कर ही रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। तो गॉड तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वेटिंग गेम चल ही रहा है अभी, कुछ वेट डिले, ठीक है। जब तक इस पर्सन की लाइफ से ये हार्डशिप नहीं ख़त्म होगी ना, तब तक शायद ये आपको फेस करना पड़ सकता है डिले, और आपको भी जजमेंट का ही वेट है। तो जजमेंट तो तभी होगा ना जब दोनों सेम पेज पर होंगे। तो करने दो उस पर्सन को थोड़ा गो थ्रू, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो उसके साथ, जो भी होगा अच्छा ही होगा एट दी एंड। फिलहाल ये सोच बहुत रहे हैं आपको लेकर और उसके मन में आना, लेकिन यूनिवर्स आपको खुद कह रही है पेशेंस रखने के लिए। नंबर 11 कॉर्नोकॉपिया, ये एंड में ना अच्छा ही होना है सब कुछ, ठीक है। एट दी एंड सब कुछ अच्छा ही होना है और आप दोनों को एक भी होना है। आर्कएंजल एरियल आप लोगों के साथ है, देख रहे हैं आप कितने येलो कार्ड्स आ रहे हैं। ओ वाओ, क्या बोलूं, और सारे स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। यिन एंड यांग, ये जो भी पर्सन है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है,
ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, और यही आपकी लाइफ में आएगा, यही आएगा नवंबर में आ सकता है। ठीक है, मुझे नवंबर दिख रहा है यहाँ पर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर मिड तक, ठीक है, ये पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ओके गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसको आना है आपकी लाइफ में, बस यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा डिले है यहाँ पर, ये डिले खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना है गाइज, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, तो जिन्होंने भी, जिनका भी नाम इन अक्षरों से आता है, देख लेते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, और कौन आपकी लाइफ में आना चाहता है। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए, टैरोट से देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू क्वींस हियर, डेविल, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके, टू नाइट्स के कार्ड हैं यहाँ पर, एट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पर जो साइन आया है ना, फिक्स साइन आए हैं यहाँ पर कुछ, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, ये कुछ साइन आए हैं यहाँ पर, ठीक है, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा। इसके अलावा यहाँ पे विर्गो है, और यहाँ पर या ये अर्थ साइन तो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन, अदरवाइज एयर साइन से यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन से स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड लियो भी है यहाँ पर, ठीक है, तो स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, तो ये साइन हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर के, ठीक है। देखो मुझे तो यहाँ पर भी कोई नया पर्सन नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में आता हुआ, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसने आपके साथ शुरुआत करनी चाहिए थी एज अ फन, एज अ टाइम पास कह सकते हैं हम, मतलब ये आया इसी पर्पज से था, उसके बाद इसमें क्या चेंजेस आए, इसको क्या आप में अच्छा दिख गया, क्या अच्छा लग गया, वो इसका हेडेक है, लेकिन फिलहाल इसने सोचा तो ऐसे ही था कि बस अपना एक अकेलापन दूर करने के लिए आपके पास आया था ये पर्सन, ठीक है, लेकिन आपसे बात करने के बाद इसमें बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज, इसने अपने आप को काफ़ी हील करा है, इसमें
एक तरीके से कहते हैं ना कि किसी से मिलने के बाद भगवान में विश्वास हो जाना, भगवान में बिलीव करना, वो चीज़ हुई थी इस पर्सन के साथ। जब ये आपसे मिले ना तो उसको पता लगा कि ट्रू लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, इसे ये पता चला। ये चाहकर भी आपको धोखा नहीं दे पा रहा था फिर, और ना ही ये दे पाएगा आगे भी, क्योंकि इसको पता है आप कितने प्योर हैं, कितने डिवोटी हैं। आपका बुरा नहीं कर सकता ये पर्सन, इसमें इतने गट्स नहीं है कि ये ऐसा कर दे, ठीक है। इसीलिए इसने बेटर सोचा कि ये चला जाए आपकी लाइफ से, मूव ऑन कर जाए, चाहे ये लड़की है लड़का है। इसने सोचा कुछ इस तरीके से। अब जो इसकी थिंकिंग है आपको लेकर, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। इवन इसने ट्राई किया कि ये दूसरे ऑप्शंस देखें, दूसरे ऑप्शंस इसने ट्राई किए, पर इसकी केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही है वहाँ पर, क्योंकि इसके डेस्टाइन पार्टनर तो आप है ना, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपके साथ इसका ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये आपको कैसे भूल जाएंगे, कैसे ये आपको छोड़ देंगे। ये सच में आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, दो दो नाइट्स के कार्ड आए हैं, पर कभी ये सोचते हैं एक्शन ले, लेकिन ये कभी सोचते हैं नहीं, अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, क्योंकि एक घोड़ा शांत खड़ा है, एक चलने के लिए रेडी है। तो उसके दो तरीके से मन हो जाते हैं कि ये आए या अभी थोड़ा और रुके। लेकिन अगर ये कभी भी आएंगे ना, कभी भी आएंगे, तो ये अपनी सॉरी को साथ लाएंगे, सॉरी बोलेंगे ये आपको, जस्टिस देंगे ये आपको, क्योंकि इसको पता है कि आपके साथ जो बिहेवियर इसका था ना पास्ट में, वो अच्छा नहीं था। आप वो सब डिजर्व नहीं करते थे जो उसने कहा आपको, इसने आप पर ब्लेम डाला, ठीक है, क्योंकि इसको एक बहाना चाहिए था आपको छोड़ कर जाने का, वो इसे मिल गया था। तो इसको इस चीज़ को लेकर रिग्रेट है, इसको जस्टिस देना है आपको। ये आएंगे आपके पास, ये हील हो रहे हैं डे बाय डे ना, जब जब से आप इसकी लाइफ में आए हो, इसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। ये अपने अंदर के डेविल को ख़त्म कर रहे हैं और अपने अंदर के एंजल को देख पा रहे हैं ये पर्सन। इसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो मुझे ठीक नहीं दिख रहा है अभी, ये काफ़ी हार्डशिप फेस कर रहे हैं, और आप मुझे काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। यहाँ से भी आप देख रहे हैं आपके पार्टनर कैसे रिग्रेट की फीलिंग में यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 कप्स हैं और यहाँ पर 2 कप मिसिंग है, वो आप दोनों के ही हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मून भी कितना सैड है, ये इंसान सैड है अंदर से बहुत ज़्यादा इस टाइम, और ये आपके बारे में सोच भी रहा है, इसको आपको सॉरी कहना है, और ये आने के बारे में भी सोच रहा है। ये सोचता है कि ये आपके पास जाए, आपसे सॉरी बोले, आपको जस्टिस दे, क्योंकि इसको ना, इसको शांति नहीं मिल रही आपका, आपको छोड़कर, आपको हर्ट कर ना, इसको पसंद नहीं आ रही अपनी लाइफ, ये जी नहीं पा रहा अपनी लाइफ अच्छे से, चाहे ये लड़की है लड़का है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है इस पर्सन के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा ये अभी जो डेवल एनर्जी से जो स्टार्ट हुआ था ना, अभी जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, और टेम्परेंस ये अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, ये हील कर रहे हैं खुद को, पेशेंस भी रखा हुआ है, हीलिंग पर ज़्यादा फोकस है इस पर्सन का। तो मुझे लगता है कि एट द डिवाइन टाइमिंग, हर जगह डिवाइन टाइमिंग ही रोल प्ले कर रही है। लेट्स सी मैं और क्या देख पाती हूँ आपके लिए, ठीक है, क्या आता है, और एग्जैक्ट टाइम में आपको बता पाती हूँ या नहीं, लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, पाइल नंबर 2 आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ आपका गुड लक है। आप देखो, भले ही यहाँ पे डेविल का कार्ड है, लेकिन साथ में टेम्परेंस का भी कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मिलने से पहले तक डेविल थे, लेकिन अब इसमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका वेट कर सकते हैं, यूनिवर्स भी आपके साथ हैं, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। इस पर्सन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पावर मेजर खाने से आए दोनों कार्ड्स, पावर। नो डाउट कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, मैं ऐसा यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। पैशन इग्नाइटेड, ओके, थर्ड आई चक्र नंबर 6,
इंट्यूशन। आप देख सकते हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं, सोलर प्लेक्सर चक्रा, हार्ट चक्रा। इस पर्सन का हार्ट चक्रा आपके लिए ओपन होगा, सोलर प्लेक्सर चक्रा ओपन होगा। फिलहाल थर्ड आई चक्रा इसका ओपन हो रहा है, ठीक है। ये हार्ट चक्रा अभी नहीं ओपन हो रहा है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अपने इंट्यूशन को कुछ ज्यादा ही सुन रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू। आपके भी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रहे हैं इस पर्सन के लिए, और आई नो कि आपको पॉजिटिव बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं आपके इंट्यूशन बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि आप इसके साथ डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, और इसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आपसे मिलने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा रूड थे, इमेच्योर थे, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे, लेकिन अब इसमें बहुत चेंजेस आए हैं आपसे मिलने के बाद, ठीक है। ये अपनी पावर को पहचान पा रहे हैं आपसे मिलने के बाद। जैसे आपसे मिलने के बाद मैंने कहा था ना कि किसी को देखने के बाद भगवान में, एंजल्स में बिलीव हो जाना, वो चीज़ हुई है इस पर्सन के साथ। ये आपके लिए बहुत पैशनेट है, इसको सच्चाई पता चली है, इसका थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, और इसको पता है कि अब आप कौन हैं इसके, इसको पता है कि यूनिवर्स चाहती क्या है, कि ये क्या करे आगे, इसको पता है, ठीक है। ये अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं, आपसे कनेक्शन बना पा रहे हैं, और ये अपनी पूरी पावर में आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो भी कन्फ्यूज़न, क्योंकि इसको भी बड़ा अजीब फील हो रहा है कि ये क्या एनर्जी एकदम से इतनी चेंज हो रही है, ऐसा कैसे, ऐसे चेंजेस इसके मतलब काफ़ी एनर्जी ना इफेक्ट कर रही है इसको, यूनिवर्स के थ्रू इफेक्ट हो रहे हैं, आपके थ्रू इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये चाहते तो हैं आना, कभी कहते हैं आ रहा हूँ, फिर कभी अपने आप को रोक लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आएंगे सॉरी कहेंगे। तो गाइज यहाँ पर 21 और 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो हो सकता है कि आपका ये जो आने का मतलब, जब भी ये पर्सन आएंगे जनवरी में आ सकते हैं, ठीक है, और नवंबर, मुझे नवंबर भी दिख रहा है, ठीक है, स्कॉर्पियो सीजन में, अक्टूबर लास्ट, स्कॉर्पियो सीजन, ठीक है, नवंबर, और अगर ये नवंबर तक नहीं आते हैं तो फिर ये जनवरी में आएंगे, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये हो सकता है इस टाइम अपने फाइनेंस पर ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं, और आपको भी करना है, दोनों को ही करना है आपको, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, आर्के एंजल एरियल आपके भी साथ हैं, पाइल नंबर 1 में भी आए थे। ओके, ये कार्ड आ रहा है डिसीट। ओके, आपके लिए एक और कार्ड लूंगी मैं, जर्नी। ओके गाइस, देखिए आपको क्या करना है, अपने फिलहाल तो ये अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं, आप भी कीजिए। आर्के एंजल एरियल की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों पर, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन ने चाहा तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से नहीं था कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन रखेंगे, लेकिन अब मैं इसकी जर्नी आपके साथ देख रही हूँ, ठीक है। और ये जो भी इसने किया था ना पास्ट में, ये आपको अवेकन करने के लिए किया था, और ये भी अवेकन हो रहे हैं, डोंट वरी, आपकी जर्नी है इसके साथ। आर्केंजल यूरियल की, एरियल की सॉरी, ब्लेसिंग्स हैं आप पर, और अब ये आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इसका थर्ड आई भी ओपन हो रहा है, उसका जल्दी हार्ट चक्रा भी आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अदरवाइज आपको डेफिनेटली अपने इंट्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना है, जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन के अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे आपको रास्ता मिलेगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी जर्नी इजी नहीं है, लेकिन आपकी जर्नी अच्छी है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही आपकी जर्नी लिखी हुई है, इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होगी फ्यूचर में, अगर आप ऑब्स्टिकल्स देखेंगे तो उसके सोल्यूशन भी आपके पार्टनर के साथ मिलकर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर खुशी, यहाँ पर गम, यहाँ पर सब कुछ है इस कनेक्शन में, तो आप वेट कर सकते हो जितना टाइम मैंने आपको बोला है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।